हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाई यानी मुरमुरे से बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता, जिसे आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक किसी भी टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। और आपकी छोटी मोटी भूख का इलाज करने के साथ साथ आपको ये हेल्दी भी रखेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है। आपकी तरफ इसे क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं तो इसे लाई भी बोलती हूँ और इसका एक मुरमुरे नाम है ये भी मुझे पता है। अगर कोई नया नाम आप लोगों को पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, काम शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है लाई यानी मुरमुरे। कितना लिया है? दो कटोरी नाप के लिया है, ये दो कटोरी भर के लिया। आप अपने घर की कटोरी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। दो कटोरी हमारा ये वेट में मुश्किल से 5 ग्राम होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है और नाप में 2 कटोरी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। और वीडियो को पसंद आए तो ढेर सारे लोगों में शेयर कर देना। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, काम शुरू कर देते हैं, चलते गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आगे गैस की तरफ एक कढ़ाई रखी, आप कोई भी बर्तन लीजिए, भारी होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच से कम तेल, यानी आधा चम्मच तेल डालेंगे। और मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, घी और बटर भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मुरमुरा इसके अंदर डाल देंगे फटाक से। और इसको हम, ये मुरमुरे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मुरमुरे ले आते हैं और बच जाते हैं। आप उन्हें बचे हुए मुरमुरों से कैसे बना सकते हैं एकदम नए टेस्ट का नाश्ता, मैं बता रही हूँ। तो हम अपने मुरमुरे को इतना भूनेंगे कि इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाए। और अगर आपका मुरमुरा काफी कुरकुरा हो तब भी भूनिएगा, क्योंकि तेल के साथ भूनने से इसका जो टेस्ट है बिल्कुल अलग आएगा। और मेन मकसद है हमें इसे कुरकुरा बनाना। तो 1 से 2 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे और इसमें ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आधा चम्मच तेल काफी है। और जो बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए। तो अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे, कंटिन्यू चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो फ्रेंड देखिए, 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मुरमुरा अच्छे से हो गया है कुरकुरा। ये देखिए, इसकी खनक बता रही है और कलर कितना चेंज हो चुका है। आपको दिख रहा है या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस तरीके से काफी कुरकुरा हो गया है। अब इसे हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो चलिए फटाफट निकाल कर ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से इसका जो कलर है चेंज हो चुका है हल्का सा, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है। अब हम दूसरा काम कर लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम थोड़ी सी सूजी भूजेंगे इसके साथ। कितनी सूजी अभी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड अब हम डालेंगे सूजी। सूजी डालते समय हमें ख्याल ये रखना है, हमें ना घी का इस्तेमाल करना है ना बटर का। और सूजी जो मैंने लिया है वो बारीक वाली है। अगर आपके पास बारीक वाली ना हो तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बारीक वाली होगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और 4 चम्मच सूजी है, वेट नहीं है, मुश्किल से 10 ग्राम है। अब हम सूजी को भूंजेंगे इतना कि इसका कलर बिल्कुल गोल्डन हो जाए। सूजी को भूनते समय हमें ख्याल रखना है, गैस के फ्लेम को लो रखना है, बर्तन भारी होना चाहिए और सूजी को जलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और खासकर ये बारीक वाली। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे और ये फटाफट हो जाएगा कलर चेंज। तो फ्रेंड देखिए, सूजी का जो कलर है कितना चेंज हो चुका है। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से इसे भूनना है, कच्चापन नहीं होना चाहिए सूजी के अंदर। आप लोग देख लीजिए सूजी को मैंने कितना भूना है, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। इस स्टेज तक आपको सूजी को भूनना है। इसे भूनने में मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब इसे हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड दोनों ही चीजें ठंडी हो गई हैं और सूजी का कलर देख लीजिए। कुछ लोग इसे रॉय बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये देखिए हमारी सूजी बिना भुनी वाली कितनी वाइट है, और जो हमने भुनी है वो कितने अच्छे से गोल्डन की है। तो आपको भी इसीलिए मैंने दिखाया ताकि आप अच्छे से गोल्डन करें। अगर आप गोल्डन नहीं करेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए सूजी को बिल्कुल अच्छे से भूनना है। और सूजी और जब हमारा ये मुरमुरा यानी लाई जो भी आप बोलते हैं इसे, ये बिल्कुल दोनों चीजें कूल हो जाएं, चिल हो जाएं, तब हमें इस्तेमाल में लानी है। उससे पहले हमें इसे नहीं यूज करना है। तो दोनों चीजें ठंडी हो चुकी, अब हम इसे यूज करेंगे। अब हमने एक बड़ा वाला मिक्सी का जार ले लिया, उसके अंदर हम सबसे पहले अपना मुरमुरा डालेंगे यानी लाई। और भूनने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही अलग आता है। आप कच्चा डाल के देखिए और भून के डाल के देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और अब हम इसमें जो सूजी को भूने थे 4 बड़ा चम्मच, अगर आप छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 8 चम्मच सूजी लग जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे गाढ़ा खट्टा दही, जो हम 2 चम्मच डालेंगे। 2 चम्मच से कम नहीं डालना है, 2 चम्मच से ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच डालना है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया, जो हमारा फ्रेश हरा धनिया है, 2 चम्मच है। 2 ग्रीन चिली, जो हमारी तीखी वाली है, अगर आपकी तीखी वाली ना हो तो आप 3 से 4 डाल लेना। और ये हम डाल रहे हैं इस तरीके से तोड़कर, ताकि ये पीसने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें हम डालेंगे 3 कलियां लहसुन की, जो मोटी मोटी है, अगर आपकी छोटी छोटी पतली पतली है तो आप 4 से 5 डाल देना। 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा साबुत वाला, अगर आप छोटा चम्मच डाल रहे हैं 2 चम्मच डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच पानी सिर्फ, और अब हमें कुछ भी इसके अंदर नहीं डालना है। इसे हम कवर करेंगे और बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना के लेके आएंगे। 4 चम्मच से ज्यादा पानी नहीं डालना है, 4 चम्मच से कम नहीं डालना है। चलिए इसका पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा होना चाहिए।
तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने पीस लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, यानी 4 चम्मच पानी डालना है ताकि ये थिक सा हो जाए, और बिल्कुल अच्छे से पीस गया है ये, देखिए हो गया ना। अब इसे एक बर्तन में टॉस कर लेते हैं। तो एक बड़े साइज के बर्तन ले लिया हमने और उसके अंदर हम इसको डाल लेंगे। पानी आपको नहीं डालना है ज्यादा, क्योंकि हमें इसका थिक चाहिए बैटर। अगर आप इसमें पानी डाल के बना देते हैं तो इसका जो मतलब थिकनेस है वो चली जाएगी, और उसका जो नाश्ता बनाएंगे तो आपको काफी ज्यादा हार्ड पड़ेगा। तो जो टिप दिया करो उसे जरूर फॉलो किया कीजिए। तो अच्छे से हम इसको मिक्सी के जार को साफ कर लेंगे 2 से 3 बूंद तेल पानी डाल के, सॉरी तेल बोल दिया मैंने। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने इस तरीके से डाल के इसको निकाल लिया है ताकि कोई भी वेस्ट ना हो, और इस तरीके से हमारा बैटर देखिए थिक है। पानी अगर आप कम डालेंगे तो ज्यादा डाल सकते हैं, अगर आप ज्यादा पानी डाल सकते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए आपको कम से कम पानी में डाल के इसे पीसना है। इस तरीके से हो गया ये रेडी, हमने इसे निकाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 2 चुटकी हम हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, आप कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं, मैंने होम मेड डाला है, 1/2 टीस्पून तक हल्दी डालेंगे यानी टर्मरिक पाउडर। हल्दी डालने से मुझे याद आया, आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे हाथ में हल्दी कैसे लग गई, तो मैं बता दे रही हूँ मेरे हाथ में काफी चोट लग गई थी जिसकी वजह से संडे था, और किसी ने मुझे बोला कि हल्दी और चूना लगाने से दर्द चला जाता है, इसीलिए मैंने रात में इसे बांधा था, इसलिए इसका दाग ही नहीं जा रहा है। आप लोग बताइएगा कि अगर चोट लग जाए तो उसमें क्या बांधना चाहिए जिससे आराम मिल जाए, क्योंकि आज संडे है, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और मुझे इसका एक्सरे वगैरह भी करवाना पड़ेगा, काफी ज्यादा इस हिस्से में पेन है। तो अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। इसीलिए मैंने ये हल्दी लगाई थी, इसीलिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा, आज मेरा हाथ थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा आप लोगों को। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई डाल सकते हैं, या फिर आप इससे ऐसा कर सकते हैं, आजकल कैरी का सीजन चल रहा है, कच्चा आम पीस कर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा और नया टेस्ट आएगा। अब इसके बाद हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी मसाले अच्छे से हमारे अंदर यानी इसके सॉरी हमारे अंदर नहीं इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। और इस स्टेज पे हम इसमें 1 चम्मच गरम ऑयल डालेंगे जो हल्का सा गरम होना चाहिए, अब इसे हम मिक्स कर देंगे। अब इस बैटर को हम फूलने के लिए रख देंगे 1 मिनट के लिए। अब चलते गैस की तरफ, आगे का काम हम गैस पे करेंगे। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक पैन रखा है, अब इसमें हम सिर्फ 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से हीट कर लेंगे। तो फ्रेंड तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज जो हमने कट करके रखी है मोटी मोटी इसको डाल देंगे, और प्याज को हम हल्का सा पिंक करेंगे, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, तो धीमी धीमी आंच पर 10 सेकंड ही हम प्याज को करेंगे, और कम से कम ऑयल में मैं बना रही हूँ इसे, तो बहुत ज्यादा हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनेगा। तो प्याज हमारी हल्की सी पिंक हो जाएगी तब इसमें हम पत्ता गोभी डालेंगे 1 कटोरी, और इसको हमने लंबा लंबा कट कर लिया है। इसी के साथ हम इसमें 1 बड़ी शिमला मिर्च डाल रहे हैं, अगर आप छोटी डाल रहे हैं तो आप 2 डाल लीजिएगा, और इसको भी हमने मोटा मोटा चॉप किया है, सब्जियां सारी मोटी मोटी होंगी चॉप। अब इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर, तो टमाटर हमारे रेड वाले होने चाहिए, जूसी टमाटर, और इसका जूस आपको निकाल कर नहीं इसके जूस के साथ ही कट करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। अब हम बिना कुछ डाले से हम धीमी धीमी आंच पर सब्जियों को हाफ फ्राई करेंगे, यानी हाफ हमें पकाना है, और सब्जियां बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती हैं, और बच्चे इसे खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में वो बहुत ही प्यार से सब्जियों को खाएंगे भी और पसंद भी करेंगे रेसिपी को। तो धीमी धीमी आंच पर हम 1 से 2 मिनट तक सब्जियों को भूनेंगे ताकि जो हमारी सब्जियां हैं हल्दी से सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे नहीं कुक करना है, जैसे बर्गर में हम सब्जियों को हाफ करके डालते हैं उसी तरीके से हम इसको कुक करेंगे। तो फ्रेंड देखिए सब्जियां हल्की सी ट्रांसपेरेंट कलर की होने लगी, यानी समझ जाइए पत्ता गोभी हल्का सा पक जाए और टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए, तब तक हमें सब्जियों को कुक करना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड सब्जियां हमारी ठंडी हो गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद आपको डालना है, हल्की सी गुनगुनी होगी तो चल जाएगी लेकिन गरम नहीं डालना है। तो इस तरीके से हम सब्जियां को इसके अंदर डाल लेंगे जो हल्की सी गरम है, क्योंकि हल्की सी जब गरम होगी तो ये अच्छे से हमारे मिश्रण के साथ मिल जाएगी, एकदम ठंडा डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट अच्छे से निकल कर नहीं आएगा, तो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसे बिल्कुल प्यार से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि हमारी जो सब्जियों के लच्छे यानी पत्ता गोभी के वो टूटे ना, इस तरीके से। और बैटर हमारा थोड़ा सा थिक लग रहा है तो हम इसमें अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो 4 चम्मच पानी सिर्फ डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, और इसे वापस से मिक्स कर लेंगे। ना बेकिंग पाउडर डालने की जरूरत है, ना बेकिंग सोडा की, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, और इस तरीके से हम अच्छे से इसे मिला लेंगे धीमे धीमे हाथों से।
और एक डायरेक्शन में हमें इसे चलाना है, दो डायरेक्शन में नहीं। जैसे आपने इस तरफ से चलाया फिर आप इस तरफ से करने लगे, ये गलती नहीं करनी है। इससे जो ये नाश्ता है फ्लफी कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आपको अगर इसमें एयर बनानी है, अगर आप बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल मेरी तरह नहीं करने, नहीं तो आप एक पिंच डाल दीजिए, तो आप जिस डायरेक्शन में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी टिप को फॉलो करेंगे तो बिना बेकिंग पाउडर के भी काफी फ्लफी बनेगा, क्योंकि ये मुरमुरे से बनने वाला है तो वैसे भी ये काफी बाउंसी बनेगा। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट का रेस्ट देंगे, फिर इसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो फ्रेंड एक से दो मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से हो गया है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालेंगे ऊपर से, ताकि इसका लुक बढ़िया है। तो दो चम्मच हमने डाला है और पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। धनिया को अच्छे से ड्राई करने के बाद ही कट किया कीजिए, कोई भी रेसिपी में यूज करेंगे तो वो खराब नहीं होगी। अगर आप धनिया को धुलन धुल के कट कर लेंगे तो उससे जो रेसिपी होगी वो खराब हो जाएगी, आप इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से देखिए हमारा बैटर होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा थिक है ना बहुत ज्यादा लिक्विड है। जब आप चम्मच से गिराएं तो रुक रुक के गिरना चाहिए, एकदम से तार जैसा गिरेगा नहीं, अगर गिरेगा तो आप बना नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक पैन रखा है, आप तावा भी रख सकते हैं, जो भी लीजिए, थोड़ा सा भारी होना चाहिए। अब इसमें हम सिर्फ 1 टेबल स्पून तक तेल डालेंगे और इसको हम अच्छे से तावे पे ग्रीस कर लेंगे इस तरह से चारों तरफ, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अपने बैटर को हम जो दाल वाला करछी होता है उसमें लेंगे और उससे नाप कर डालेंगे एक करछी। तो इस तरीके से हम मिलाते हुए एक चम्मच भर कर लेंगे, ना एक चम्मच से ज्यादा लेना है ना एक चम्मच से कम, साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप इसे कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। तो इसे बहुत ज्यादा पतला मत बनाइएगा ना बहुत ज्यादा मोटा, तो मैं इसे इस तरीके से बनाऊंगी, ना बहुत ज्यादा पतला होगा ना बहुत ज्यादा मोटा। और ये बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। अब इसको हम धीमे धीमे आंच पर अच्छे से सिकने देंगे। आप चाहे तो ग्रीस कर सकते हैं तावे को, कम से कम तेल में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे कुरकुरा बनाना चाहती हूँ ताकि मैं इसे स्टोर भी कर सकूँ, इसीलिए मैंने एक चम्मच तेल डाला है। एक चम्मच तेल ज्यादा नहीं होता है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल कम तेल डालकर इस तरीके से ग्रीस करके भी बना सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। आप धीमी धीमी आंच पर हम इसे पकने देंगे 2 मिनट तक। तो फ्रेंड 2 मिनट के बाद देखेंगे कि ऊपर से हल्का सा ड्राई ड्राई होने लगा है। आप चाहे तो इसे चम्मच से पलट देते हैं सकते हैं, और मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से पलट कर आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से आप इस प्लेट पे ले लीजिए और वापस से हम आधा चम्मच तेल डालेंगे और इसे वापस से हम ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये दूसरे साइड से भी कुरकुरा बने। अब हमें क्या करना है, हाथों को बैलेंस करते हुए इस तरीके से इसको ले लेना है और फिर से हम इसको ऐसे लेंगे और अब हम इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान टेक्निक है इसे पलटने की। अब इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। तो फ्रेंड 1 मिनट के बाद आपको चम्मच से या कड़छी से इसको सेंटर से अच्छे से प्रेस करना है, ताकि ये कुरकुरा बने। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो अगर आप चम्मच से चाहे तो चम्मच से भी पलट सकते हैं, मैंने इसे प्लेट से पलट कर दिखाया है। पहली बार आप जब इसे रखेंगे तो आपको बहुत ही खाने में मजा आ जाएगा इसको खाके। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे सेक लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है, दूसरे साइड से भी रेडी हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी प्लेट में इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत बनकर रेडी हो चुका है और कितना ज्यादा सॉफ्ट है। दूसरा वाला बनाने के लिए आपको तेल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप डाल सकते हैं, गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और इसे हम फैला देंगे। ये जो हमारा हो गया है साइड में, इसको भी हम सेंटर में ले लेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं इस तरीके से। जितना गोल हो सके आप बनाने की कोशिश करना, और गोल नहीं बनता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट में काफी मजेदार लगेगा। तो चलिए इसी तरीके से हम बना लेते हैं, फिर आपको लास्ट में दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा मुरमुरे यानी लाई का बहुत ही अमेजिंग सा खूबसूरत सा नाश्ता, जो क्रिस्पी होने के साथ साथ ये देखिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, फ्लफी है और कितना बढ़िया तरीके से बना है। और दोनों तरफ से अच्छे से मैंने कुक किया, इसे मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ। ये पुदीना और धनिया और आम की चटनी है, जो इस सीजन में आम मिल रहे हैं पुदीना, उसी से बनाई है। बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है ये चटनी। अगर आप इस चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ, हरी चटनी के साथ अगर आप नहीं खाना चाहते तो केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। और देख लीजिए नाश्ते का फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे पति के लंच बॉक्स में, बच्चे के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं और आप अपनी
डाइट में इसे जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि वेट लॉस करने के साथ साथ हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। आपका वेट भी लॉस हो जाएगा और आपका मन भी पूरा भर जाएगा, क्योंकि आप भूखे पेट नहीं रहेंगे। तो इसे जरूर शामिल करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, और मेरी वीडियो को जरूर शेयर करना। बाय।